एवरीवन दिस इज़ प्रियांशु वेलकम टू माय चैनल सियोर सक्सेस क्लास विद प्रियांशु और आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं तो आ, हमने जो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था उसका फटाफट से रिविजन कर लेते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एम्पियर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें ठीक है तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये आपको नाम नया लग रहा होगा वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो आप ये ये पहले ये सोचो कि हम ये तो जानते हैं कि uh, मतलब किसी सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो उसके लिए हमें चार्ज चाहिए है ना चार्ज चाहिए लेकिन व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में क्या हेल्प करता है मतलब वो अपने से कैसे फ्लो कर सकता है ऐसे तो नहीं होता तो क्या चीज़ उसे हेल्प करती है फ्लो करने में वो आज हम देखने वाले हैं ठीक है तो लेट सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ वाटर हम वाटर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब आपके पास पाइप रहता है जैसे पाइप है आपके पास आपने उससे वाटर को फ्लो किया तो वो एक प्रेशर से वाटर गया तब तो वो दूसरी तरफ पहुंचा ना ठीक है मतलब जैसे आपके पास एक ट्यूब है जैसे आपके पास एक ट्यूब है आपने यहाँ से वाटर फ्लो कर दिया तो यहाँ से अगर वो मान लो यहाँ पे पाइप ही है तो वो जब किसी प्रेशर से होगा तब तो वो यहाँ से यहाँ दूसरे एंड तक पहुँचेगा अगर उसमें प्रेशर होगा ही नहीं तो वो किस तरीके से फर्स्ट एंड से दूसरे एंड में पहुँचेगा बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा आप थोड़ा सा मतलब पानी यहाँ पर रख दो वो क्या अपने से फ्लो हो जाएगा इधर साइड कभी नहीं इट उसे प्रेशर चाहिए हु? उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उन्हें भी प्रेशर चाहिए होता है ठीक है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रेशर चाहिए होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ़ देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर ये मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है जो इलेक्ट्रॉन्स हमें यह पता है कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें भी फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रेशर की ज़रूरत होती है और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ओके आपको समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ठीक है तो अब ये अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मतलब उसे बढ़ाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं मतलब जैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है आपको मतलब फ्लो करने के लिए कुछ चाहिए तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड डालोगे नहीं पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी डालोगे आप जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स से बनी हुई होती है है ना बैटरी आपको पता है बैटरी क्या होती है वही आ, कुछ आ, मतलब एक दो तीन चार बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल से बनी हुई होती है बैटरी यहाँ तक समझ आया अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं हम किस तरीके से बता सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में करंट मतलब दो पॉइंट्स के बीच में करंट होना चाहिए वो करंट कैरी करना चाहिए और कोई काम होना चाहिए वर्क डन होना चाहिए मतलब वर्क डन होना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कोई करंट को कैरी करना चाहिए करंट होना चाहिए और वर्क डन होना चाहिए और काम होना चाहिए उससे हम इस तरीके से बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है ठीक है डिफ़िनेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ठीक है अब अब क्या फॉर्मूला हो सकता है आप ही सोचो हो सकता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वर्क हो जाएगा अभी हमने पढ़ा वर्क डन होना चाहिए और क्या होना चाहिए कुछ करंट रखना चाहिए वो तो ये यहाँ चार्ज हो गया करंट है तब तो चार्ज मतलब चार्ज होगा तब तो करंट फ्लो करेगा ना तो यहाँ हमने चार्ज रख लिया ठीक है यहाँ तक समझ आया और जो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट ठीक है क्या होती है वी ओ एल टी वोल्ट होती है ठीक है ये जो वोल्ट नाम है ये एल्सेंड्रो वोल्ट के नाम से पढ़ा हुआ था जो कि सेवनटीन फोर्टी फाइव टू सेवन एटीन ट्वेंटी सेवन के साइंटिस्ट थे सॉरी फिज़िक्स के थे मतलब फिजिक्स के शायद कुछ थे इटालियन ठीक है फिज़िक्स के uh, इटालियन फिज़िक्स थे और अब हमें वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें एक वोल्ट निकालना है दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का ठीक है वन वोल्ट निकालना है तो करंट मतलब अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन वन जूल ऑफ वो कंडक्टर करंट कैरी करेगा तब जब वन जूल वर्क डन होगा और चार्ज वन को होगा ठीक है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मतलब वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन वन कोलॉम चार्ज ठीक है इसका मतलब क्या है वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल कोलॉम पर सेकेंड ठीक है समझ आ गया आपको और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है वोल्ट मीटर का ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें किसी सर्किट में आ, पता लगाना कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे वोल्ट मीटर हमें यहाँ तक पढ़ लिया अब एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं ठीक है आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व पॉइंट टू है उसे आप देखो कि हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ टू कोलम्ब अक्रॉस टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ट्वेल्व वोल्ट मतलब कि हमसे यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है कि कितना वर्क होगा जब चार्ज टू कोलॉम्ब है और पोटेंशियल डिफरेंस ट्वेल्व वोल्ट है तो इजी हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि क्या होता है V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू तो ईज़िली आप इसको यहाँ से ट्रांसपोज कर दो इधर इसे ट्रांसपोज कर दो इधर ये हो जाएगा डब्लू इज़ इक्वल टू वी क्यू वट इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू इज़ वर्कडन वी वोल्ट एंड क्यू इज़ चार्ज ठीक है हमें यहाँ क्या दिया हुआ है चा आ, वोल्ट भी दिया हुआ है हाँ वोल्ट भी दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है और आ, चार्ज भी दिया हुआ है तो फटाफट इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं W हमें फाइंड करना है V क्या दिया हुआ है ट्वेल्व और चार्ज कितना दिया हुआ है टू हो गया ट्वेल्व टू ज ट्वेंटी फ़ोर और ट्वेंटी फ़ोर आपका आंसर आया लेकिन हमें वर्क निकालना है तो वर्क की यूनिट क्या होती है जूल हम यहाँ पे जूल रख देंगे ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब समझ आ गया चलो अब सर्किट डायग्राम अब हमें क्या देखना है सर्किट डायग्राम तो सर्किट डायग्राम क्या है कि मतलब जब हमें सर्किट बनाना है तो हमें सिंबल्स का यूज़ करना होता है ठीक है आ, किसी जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक का सिंबल क्या होता है मतलब ये सारी चीज़ों को हमें सिंबल से सर्किट में रिप्रेजेंट करना होता है तो वही हम सिंबल देखते हैं किस टाइप हमें किस चीज़ को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो सबसे पहली बात कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल को किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल को ठीक है इलेक्ट्रिक सेल को हम डिनोट करते हैं मतलब उसका सिंबल क्या है ऐसा यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये यह है आप इलेक्ट्रिक सेल को किस तरीके से आ, डायग्राम में सर्किट में रिप्रेजेंट करोगे ठीक है अब दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है बैटरी बैटरी अब से इलेक्ट्रिक सेल का आपको पता चल गया तो बैटरी तो ईज़िली बन जाएगा इलेक्ट्रिक सेल का ऐसा था है ना इलेक्ट्रिक सेल का ऐसा था अब हमें बैटरी भी बनाने तो और बढ़ा दो क्योंकि बैटरी होती है बहुत इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन होता है तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर दो हो गया ये अब हमने यहाँ पे माइनस इसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत सारी बैटरी हैं ठीक है ठीके? बहुत मतलब एक बैटरी है बहुत सारे सेल्स को रखती है तो हम यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कर देते हैं ठीक है समझ आ गया अब मेरे को तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपके बुक में ये दिया हुआ है और आप लोग आई थिंक आप लोगों को ये पता भी होगा ठीक है तो ये आप लोग देख लेना अब ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ होता है कि मतलब जैसे ये है कि जो जब किसी मेटलिक वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स में होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उससे उसके मेटलिक वायर के दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के और उसे टेम्परेचर uh, देगा ठीक है उसे हम क्या कहते हैं ओम्स लॉ ठीक है द करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ इन अ गिवन मेटेलिक वायर इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम दिस इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ आपको समझ में आया एक बार और समझा देती हूँ कि जब किसी मेटेलिक वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स में होगा उनके दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो दो तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसको टेम्परेचर जैसा था वैसा ही टेम्परेचर उसे देगा उसे हम क्या कहते हैं ओम्स लॉ ठीक है अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के यहाँ हमने लिख दिया ठीक है वी प्रोपोर्शनल टू आई अब अब वी V अपॉन आई को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं मतलब वो कांस्टेंट के इक्वल है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है ना एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है अगर ये घटेगा तो मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज़ होगा तो करेंट भी डिक्रीज होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करेंट भी बढ़ेगा आपको यहाँ तक समझ आया तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे ठीक है इक्वल हैं एक तरह से इक्वल हैं तो इसे हम क्या है? कह दिए कांस्टेंट और कांस्टेंट में आर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ठीक है कॉन्सटेंट वैल्यू आर ठीक है तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा वहाँ पे आर लिखा हुआ था आप उसे ट्रांसपोज आई को आप ट्रांसपोज कर दो आर की तरफ तो वी आई ठीक है ये आपका फॉर्मूला बन गया अगर आपको प, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ओके हमने R आर क्यों रखा मैं एक बार और बता देती हूँ कि आर हमने इसलिए रखा क्योंकि आर एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी एक मेटेलिक फायर में जो कि उसे टेम्परेचर uh, देती है ठीक है अब रेजिस्टेंस क्या होता है अब आप बोलोगे कि आर तो लिख लिया ले, लेकिन रेजिस्टेंस होता क्या है तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि रेजिस्ट करती है चार्ज के फ्लो होने का मतलब कि उसे अपोज करती है ठीक है मतलब जैसे आपके आप पास एक मैंने ये एग्जाम्पल आपके फर्स्ट वीडियो में भी दिया था आपने पार्ट वन में उसे मैंने बताया था कि जैसे आपके पास एक बॉक्स है एक आदमी यहाँ से इसे धक्का मार रहा है ठीक है आप यहाँ से उसे धक्का मारना यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो आप रेजिस्टेंस का काम करोगे ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ से इसके साथ मिल कर रहे हो तो ये रेजिस्टेंस नहीं आप तो उसे करंट दे रहे हो कि आप और आगे चलो लेकिन जब यहाँ पे कोई आकर इससे रोक रहा है या धक्का मारा है दूसरी तरफ तो वो क्या हो गया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ठीक है तो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट ठीक है मतलब आप रजिस्ट की जगह अपोज़ भी लिख सकते हो इट डजेंट मैटर ठीक है अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया रेजिस्टेंस पढ़ लिया वोल्ट मीटर पढ़ लिया कि किस तरीके से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम वोल्ट मीटर का तो वोल्ट मीटर की थोड़ी तो प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है वोल्ट मीटर तो आपको पता है इट इज़ अ डिवाइस टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस उसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है ठीक है एमीटर के पास क्या होता है लो रेजिस्टेंस होता है लेकिन वोल्ट मीटर के पास क्या होता है हाई रेजिस्टेंस इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज वो हमेशा पैर सॉरी पैरल uh, sorry, में कनेक्ट होता है ठीक है एमीटर किस में कनेक्ट होता है सीरीज में लेकिन वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है सीरीज में ठीक है आपको यहाँ तक समझ में आया हमने बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस किया अब आगे के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉरी आगे का जो पढ़ाई है आगे के डिस्कशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सो फॉर नाउ बाय थैंक यू